व्यूअर्स, कैसे आप सब? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स? आज हम दोबारा बेहट कराची के हवाले से एक वीडियो आप सबके लिए बना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेहट कराची जो है एक सिटी विद इन अ सिटी, सिटी ऑफ दुबई लाइक, जस्ट लाइक दुबई, अ सिटी ऑफ पीस, जहाँ पे आप एक अपनी लग्जरी लाइफ इजीली गुजार सकते हैं। तो इसी बेहट कराची के हवाले से हम डिफरेंट वीडियोस आपके सामने दिखाते रहते हैं, और आज हम खास तौर पे यहाँ पर बात करना चाहेंगे 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से। हमारे साथ हमारे सीनियर शहाब साहब मौजूद हैं। शहाब साहब से आज हम थोड़ी सी गाइडेंस लेना चाहेंगे कि 500 स्क्वायर यार्ड के हवाले से कौन कौन से सर पेशेंट यहाँ पे मुनासिब हैं, जहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए, जहाँ पे अच्छी प्लॉटिंग होती है, जो लोकेशंस के हिसाब से अच्छे प्लॉट कौन की जाते हैं। तो इस हवाले से हमारे व्यूवर्स को आज आप थोड़ा गाइड कीजिए जी, प्लीज सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल भाई। आपने बहुत अच्छी बात की कि बहरिया टाउन कराची के बारे में, कि सिटी विद इन सिटी, और दिस इज व्हाट वी कॉल मिनी दुबई, समझ ले इस तरह की चीज़ें। अच्छा, इसका रीज़न है, अभी बहुत सारे लोग जो पहले जो सिर्फ 125-250 स्क्वायर फिट ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, अब वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं अपना 500 स्क्वायर फिट। ओके अच्छा, जो 500 स्क्वायर फिट के जो ऐसी जो आप वो ही चाह रहे हैं ना, कि ऐसी लोकेशन की बात करें जहां पे आप घर बनाए और रह सकें, बिल्कुल उसी की बात करना चाह बिल्कुल रहे हैं ना। तो वो पहले हम बताते हैं कि वो कौन कौन से लोकेशन ऐसी हैं जहां आप आज प्लॉट लें, घर बनाए और रह सकते हैं, सही ना। उसमें P4 है, सबसे पहले Precinct 4 है, फिर हिल्स है Precinct 9, फिर गोल्फ है और पैराडाइज है, जहां आप ले बनाए और रहें, Precinct 33 है और Precinct 17 है, सही, और 29 भी है। लेकिन 29 अब्दुल कहीं वो जो ना थोड़ा और आगे हो जाता है, उधर अगर 2 साल 3 साल बाद भी वो बात नहीं आएगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि बस लोग रहें, जैसे अली ब्लॉक है बिल्कुल 125 का, वहाँ लोग, या Precinct 1 है कि वहाँ घर बनाया और आपने फिर, या Precinct 6 Precinct 8 है, इस तरह के उस पर हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। तो इन सब में जो सबसे ज़्यादा जो Precinct 9 है, जिसको हिल्स कहते हैं, 500 स्क्वायर फिट का, उसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी वो है, जो वो जब बनेगा, जब वो तैयार होगा, तो लोग बड़े आराम से वहां रह सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उसका हिसाब किताब, उसके बहुत सारे रीजन है। Precinct 9 कितना दूर या कितना करीब है? बहुत प्यारी बात की, मैं इस पे आने ही वाला था, आपने सवाल कर लिया, बिल्कुल सही। देखिए, जो 500 का घर लेगा तो कम से कम वो ये भी चाहेगा कि कम से कम गेट से करीब हो। 4 बहुत करीब है, लेकिन 4 के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, कि लिबर्टी पूरा कमर्शियल साथ है। ये तकरीबन तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर है, ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं है ये, ठीक है भैया। एग्जैक्टली, क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट, अच्छा वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप एरिया के अंदर आ जाए तो 15-16 किलोमीटर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर इससे ऊपर नहीं है। हिल्स, अच्छा वाई हिल्स, वाई हिल्स ठीक है ना। हिल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बहुत एडवांटेज, ग्रैंड मस्जिद है जो कि जिसकी ओपनिंग जल्दी होने वाली है, वो हिल्स के साथ ही लगती, बैक पे हुआ है, उसके सामने सारा हिल्स है इस तरफ। एक्सीलेंट और वो जो भी लोग वहाँ हिल्स पे रह रहे होंगे, वो ऑटोमेटिक उस मस्जिद का भी फायदा उठाएंगे, और जितने गेस्ट वहाँ पे आ रहे होंगे वो हाईलाइटेड होंगे उनके घर, बिल्कुल ऐसा जैसे आप यूँ समझ लें कोई स्टेडियम बनता है, कोई चीज़ बनती है, लोग आते हैं देखने, इसी तरह ये जो ग्रैंड मस्जिद बन रही है, जो दुनिया की तीसरी मस्जिद होगी, ये वो होगी। अच्छा, हिल्स पे 500 गज होता है, 500 गज पे जो प्लॉट बनता है, घर बनता है, महल बनता है, बड़ा महल बनता है, और इस पे बेइंतहा कंस्ट्रक्शन हो रही है हिल्स में, इर्द गिर्द के इलाकों में, हिल्स के काफ़ी जगहों पर, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 400+ घर वहाँ पे इस वक्त या तो बन रहे हैं या बन चुके हैं, एक्सीलेंट। माशाल्लाह, 400 जी 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 विलास 400 विलास माशाल्लाह से, ठीक है, और बहुत तेज़ी से लोग वहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। हमारी एक इतलात के मुताबिक 500 के हवाले से सबसे ज़्यादा घर हिल्स में बन रहे हैं, ठीक है। हिल्स के जो हिल्स है उसके एडवांटेजेस, एक तो ये ग्रैंड मस्जिद है, फिर फ्लैग पोल है, वो भी आइकॉन है, जनाब अली रियाज साहब का घर है वहाँ पे, ठीक है, हेलीपैड वहाँ पे मूवमेंट होती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा चेक होता है,
जितना भी बड़ा बिल्डर है ना, जो जो बड़े घर बनाना चाहते हैं वो वहां पर घर बना रहे हैं, तो ये शाह तो साहब सुन के, सॉरी सकते मैं हैं। बात काट रहा हूँ कि इतने अच्छे प्रेजेंट में क्या हमारे पास कुछ लोकेशन अवेलेबल है यहाँ पर? देखिए हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रेसिडेंट एडुकेशन अवेलेबल है, इसको तो जी कोई मसला नहीं। हाँ आपने जो सवाल किया इसका जवाब ये जी है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन के बहुत अच्छे अगर प्लॉट्स हैं। हमारे जो इस टाइम व्यूवर्स देख रहे हाँ हैं उसमें कोई हाँ अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो कोई अच्छी लोकेशन के प्लॉट इस टाइम हम उनको ऑफर कर सकते हैं? फॉरन कर सकते हैं, ओके फॉरन कर सकते हैं। 5-6 लोकेशन तो इतनी जबरदस्त हैं, उनमें से एक लोकेशन ऐसी है जिसके बैक पे ग्रैंड मस्जिद है। अरे वाह, यस ऐसी लोकेशन है, उसका तो उतने उतनी खूबसूरत, वो हमारे वीडियोस में उसकी वीडियो भी डली हुई है, वो भी मैं साथ में आपको आप सब व्यूवर को ओके, शेयर करेंगे। बहुत ही आउट क्लास लोकेशन, बिल्कुल पीछे जो ना ग्रैंड मस्जिद है, और बहुत हाइटेड लोकेशन है वो वो। बहुत हाइटेड लोकेशन है, बहुत हाइटेड लोकेशन। अच्छा ग्रीनरी सामने ग्रीनरी है, जिस आपने जब लोकेशन की बात की तो मुझे छेड़ दिया आपने, वो वही प्लॉट ऐसे मेरे दोस्त है ये हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले, उनका प्लॉट है वो, बहुत बहुत अच्छी लोकेशन है। आपने सारी अच्छी लोकेशन अपने दोस्तों को दिखानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखिए हम जो इतनी मेहनत करते हैं, इतनी इतनी आप तो खैर हमारी टीम का हिस्सा है, आप भी वही करते हो, नाज़िम को पता नहीं, हम जो मेहनत करते हैं ना, हम पहले कस्टमर के साथ घूमते हैं, दिखाते हैं, उसको बताते हैं कि ये लोकेशन है जहाँ आपको लेना चाहिए, फिर डिसीजन उनको उनको दे देते हैं, फिर डिसीजन पे हम नहीं करते। उस लोकेशन पे जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दो दोस्तों ने प्लॉट लिया हुआ, एक बेचना चाहते हैं एक बेचना नहीं चाहते, तो इस तरह की हिल्स पे लोकेशन है हमारी। हिल्स का अगर मैं ओवरव्यू कहीं मुझे मिल सके, नहीं तो हम बनवाएंगे उसकी जो ड्रोन की पूरी पिक्स दिखाते हैं आपको, व्यूवर्स को दिखाते हैं, आउट क्लास लोकेशन, मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब कहना नहीं चाहिए कि वो आम आदमी के लिए बना ही नहीं, ऐसा लगता है। सही। अच्छा फिर बात कर रहे हैं उसकी प्राइस की, जी अब आपका सवाल ये बोला बिल्कुल, मैं इसका ही आ तैयार बैठे रहा हुए थे। ठीक था। हाँ है, देखिए हिल्स इज एक्सपेंसिव, और क्यों एक्सपेंसिव है और ये सारी वजह आपकी बता दें। हिल्स पे जो प्लॉट 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक के होते हैं, यानी स्टार्ट होते हैं 2.5 करोड़ से इस लेके 3.5 करोड़ तक के ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, लोकेशन वाइज उसकी प्राइस लोकेशन वाइज प्राइस होती है, इसीलिए इतने महंगे हैं क्योंकि इसकी लोकेशन आउट क्लास लोकेशन। आप इस वक्त डिफेंस में 500 गज का जो प्लॉट होता है वो कम से कम 8 करोड़ 7 करोड़ का होता है, और बिल्कुल बन के वो तकरीबन 12-13 करोड़ का बन जाता है। तो ये प्लॉट आपको अगर 3.5 करोड़ का भी होता है, अगर 3 करोड़ से 3.5 करोड़ का भी होता है, ये बन के तैयार होके आपको तकरीबन 6 करोड़ 6.25 करोड़ का पड़ता है। एक्सीलेंट, लेकिन जैसे ही ये बनता है ये तैयार होता है 7-7.5 करोड़ में बिकने के लिए, ओके, क्योंकि जितनी भी हाइट जितने भी यहाँ पे इलीट क्लास है वो सबसे पहले अगर उनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए होती है वो हिल्स पे आके रुकते हैं, कहते हैं दिस इज द थिंग वी वॉन्ट। तो बिल्कुल है, आपको किसी को भी रिकमेंड करना हो कुछ बताना हो तो बिल्कुल बताइए, हम उसको विजिट कराएंगे और हिल्स पे दिखाएंगे। बिल्कुल जी। तो व्यूअर्स, जैसे आपने हमारे शाह साहब के तमाम व्यूज सुने, हिल्स के जहाँ और फवायद थे वहाँ पे ये फवायद भी हैं कि हिल्स के तमाम हमारी जो है फैसिलिटीज हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। थीम पार्क यहाँ मौजूद है, इम्तियाज करीब है, हॉस्पिटल करीब है। सो एक शख्स जो 500 गज का घर लेना चाहता है या घर प्लॉट लेना चाहता है उसके लिए इससे अच्छी कोई और लोकेशन हो ही नहीं सकती। तो देखते रहिए हमारे चैनल को और अपना ख्याल रखिएगा। सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू।